भारत एक ऐसा देश है जहां हम हर चीज में आके भगवान को ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए भारत में नदियां सिर्फ नदियां नहीं बल्कि भगवान का रूप माना जाती है, फिर चाहे वो गंगा हो, यमुना हो या सरस्वती। हम इन नदियों को भले ही दिल से पूजते जरूर हैं, पर आखिर हम उन नदियों के लिए करते क्या है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये है 102 किलोमीटर लंबी मूनक नहर। ये नहर दिल्ली की जीवन दाताओं में से एक है। हिंदुस्तान की राजधानी में स्थित ये नहर हरियाणा से आ रही है, जो कि दिल्ली को एक बड़े पैमाने पर पानी सप्लाई करती है, और हम धार्मिक लोग उसमें आए दिन गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। 86% लिटरेसी रेट वाले राज्य में लोग भगवान की खंडित मूर्तियाँ, फोटो फ्रेम, धूप और अगरबत्ती के पैकेट्स जिन पर भगवान की फोटो छपी रहती है, उसे उसी पानी में विसर्जित कर देते हैं जिस पानी को दिल्ली जल बोर्ड उन्हें सप्लाई करता है। जिन भगवान के फोटो फ्रेम्स को वो पानी में विसर्जित करते हैं, उनमें ना जाने कितने केमिकल्स रहते हैं जो पानी को पॉल्यूट करते हैं। भगवान किसी पत्थर या किसी मूर्ति में नहीं बल्कि हमारे अंदर और हमारे इंसानियत में बसते हैं। गवर्नमेंट को हमेशा गंदे पानी के लिए ब्लेम करने के बजाय अब हमें उसे खुद ही गंदा कर देना बंद कर देना चाहिए।